ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप SHO हसीना मलिक, लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी, हफ्ता वसूली में शामिल है। अरे तू चुप कर, चुप तुम कर, का है ये सब? अरे ये झूठ हटना रहे, ये सब झूठ बोल रहा है आदमी, ये पकड़ा गया ना इसके लिए शांतपति कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा और ये आवाज किसका है फिर? अरे डार्लिंग तेरे को तो मालूम है ना आजकल कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। अरे मेरा आवाज तो पुष्पा जी मेरे जैसा आवाज निकाल सकती है, कोई भी आवाज निकाल सकता है। ये आवाज हमारी नहीं है। हाँ और ये मेरी भी नहीं है। अरे सफेद झूठ बोल रही है ये। हसीना मलिक का कहना है कि ये ऑडियो फर्जी है, ये आवाज उनकी नहीं है, उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। भावे हम आपसे कह रहे हैं ना ये इन्हीं की आवाज है। अच्छा मतलब आप लोगों को तो हमारी बात पे विश्वास होगा नहीं। एक काम कर लीजिए ना, आप एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए, अगर हम गलत है ना तो आप हमको फांसी चढ़ा दीजिएगा, और अगर ये सही है तो इनको तो इस बात पे कोई एतराज होना नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि हसीना मलिक ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं, या फिर सच को छुड़ाकर पीछे भागती है। हसीना मलिक पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ पार्टनर ने बोल दिया तो फिर वो कर लेंगे वो टेस्ट जो भी है वो। हसीना मलिक ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, कल हसीना मलिक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और सारा सच दुनिया के सामने आएगा। माँ मेरी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया, काय को इतना गरम हो रही है। गलती गलती से होता है, जानबूझ के किया गया अपराध होता, और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया मैडम सर के नाम पे, ऐसा ऐसा धब्बा लगा के तुम्हारी तो। अरे नहीं किया। अरे मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। तुम्हारे गिल्टी फील करने से क्या करें, क्या उखाड़ ले हम? हाँ उनके वर्दी पे तो दाग लग चुका है ना, क्या कर लोगी तुम? अब शर्म नहीं आया तुमको? हरकत करते मुझे फील नहीं। मैडम मैडम प्लीज मैडम रुक जाइए, संभालिए अपना आप। मारने से क्या फायदा, समस्या थोड़ी ना हल होगी। हाँ संयम रखिए, संयम रखिए आप। ये मैडम सर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैडम सर को अगर कुछ याद ना हो समझ में आता है, लेकिन वो अपना ईमान अपना स्वाभिमान कभी नहीं भूल सकती है। और ये उर्मिला ही है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यही कहने की कोशिश कर रहे थे हम इतने दिनों से, हम क्या रोटी को चीची कह रहे थे? यही तो कह रहे थे ना कि ये मैडम सर नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। मगर आपको सुननी कहा है किसी की बात? आपने सुना किसी का बात? आपको भी हमने कहा था ना, आपका वो कायां घटिया भांजा उसकी बातों में मत आना, लेकिन आप आई ना फिर भी। अरे आप बात कहां से कहां लेके जा रही है? कहां से कहां लेके जा रहे हैं समझाइए? इसकी हो रही है ना बात? बात आपके भांजे की भी हो रही है, उसका किया धरा है ये सब। हम सब समझते हैं। कहां समझती हैं आप? यही कि आपको तो बस मौका चाहिए हमारे घर वालों को कोसने का। बस करो माँ बस करो, इस थाने की दीवारों के कानों में छेद हो गए आप दोनों सास बहू के झगड़े सुन सुन के। इस थाने की बुनियाद थकेली हो गई है आपकी किक 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 सुन सुन के। माँ आई ऑर्डर टू माँ पॉइंट कम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और इस औरत को यहाँ से बाहर निकालिए, ये औरत हमें यहाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ तो मैं थाना छोड़ के जाने के लिए तैयार है तुम्हारी। पर ये सोच, अगर गलती से कल वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में मैंने सच बोल दिया तो क्या होएगा? नहीं नहीं तुम भाग ही जाओ। नहीं एक मिनट, ऐसे कैसे भाग जाओ पुष्पा जी? अरे भाग गई तो ये बात तो ऐसे ही प्रमाणित हो जाएगा कि गजुआ जो भी बोल रहा है एकदम सच बोल रहा है, और उससे इसके छवि को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग के मैडम सर का छवि धूमिल होगा ना पुष्पा जी। लोग तो ये सोचेंगे कि मैडम सर ये लाई डिटेक्टर के टेस्ट के डर से भाग गई। अब हसीना मैडम खुद हमको इस दुविधा से निकालेंगे। नहीं, मगर वो तो है नहीं ना। वो नहीं है पर उनका नाम तो है, अब उनका नाम ही उनका मान स्वाभिमान बचाएगा। तो हसीना मलिक अंदर आ चुकी है और सारी तैयारियां भी हो चुकी है, अब बहुत जल्द आप सबके सामने इसकी सच्चाई सामने आएगी। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, पता है ना कि ये लाइव चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ओके। हसीना मलिक जी, आपने गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू के सामने हफ्ता वसूली का प्रस्ताव रखा था।
कल तुम सच बोलोगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। गज्जू को हफ्ता वसूली का ऑफर उर्मिला ने दिया था, तो कल जब तुमसे पूछा जाएगा कि हफ्ता वसूली का ऑफर हसीना मलिक ने दिया था तो तुम क्या बोलोगी? नहीं, हसीना मलिक ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। हसीना मलिक अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ निभाती है, इनफैक्ट ईमानदारी ही उनकी असली पहचान है। अबे इका, तमीज से, नहीं तो मार के घुटना मुंह पे चढ़ा देंगे। अच्छी था भैया, हम ये कह रहे हैं कि मशीन वशीन थोड़ा खराब है, थोड़ा चेक करा लीजिए। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी झोला नहीं, झूठ बोल रही है, हम बता रहे हैं आपको। हम सब जानते हैं गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू हसीना मलिक हमारे डिपार्टमेंट की काबिल ऑफिसर है। उनके बारे में ओछी और गंदी बात की तो हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ओ गज्जू महाराज जी, आप कहाँ चल दिए? इसे कौन पहनेगा? ये मैं क्यों पहना रही? पहना बिले पहना। वाओ, व्हाट अ फ्रेम। जीते जी मैडम। चल बुआ चल, ये तो ट्रेलर था, पूरा फिल्म अभी हवालात के अंदर दिखाते। चल इधर इधर आओ गज्जू, आओ इधर। फाइनली मैडम सर का नाम बच गया। हाँ, लेकिन हम ये चांस दोबारा नहीं ले सकते। मैडम सर के नाम पे कोई भी आ जाए, ये चांस हम कभी भी नहीं लेंगे। और जब तक ये रहेगी, इस बात पे खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए इसको इसको यहाँ से जाना ही होगा। और चीते तुम ठीक थे, हम इसमें मैडम सर के होने का उम्मीद देखते हैं, लेकिन आज वो उम्मीद टूट चुकी है। हमें इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि तुम उर्मिला हो और मैडम सर नहीं। मैडम मैडम एक सवाल, अंदर कैसे घुसा रहे तुम? गज्जू जैसे लोग जो पुलिस की वर्दी का, उनके नाम का और उनकी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उर्मिला कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे। हमारे अब्बू कहा करते थे कि वर्दी कभी भी शरीर पर नहीं पहनी जाती, आत्मा पर पहनी जाती है, रूह पर पहनी जाती है, वजूद पर पहनी जाती है। और जब ये वजूद एक बार खाकी का हो जाए तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, देश के लिए जुनून। और जब ये जुनून ही जिंदगी का सबसे अहम मकसद बन जाता है तो फिर कोई भी छोटी बड़ी चीज मायने नहीं रखती, सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारी पूरी जिंदगी, पूरा वजूद बस दो ही शब्दों में सिमट कर रह जाता है, वो दो शब्द जिस पर हमारा संविधान टिका है, सत्यमेव जयते। चीटिंग नहीं। एसी चालू कर जरा। अरे इस गाड़ी में गियर है, वही काफी है, एसी कहाँ से है? चल चल, मेरी तरफ से फिर 2000 मान की रखा। ओके। पढ़ना छोड़, मेरे को तेरे साथ खेलने का ही नहीं है, शो कर। 2000 पे शो। ओके ठीक है, ये मेरे ए, 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 ए। बच्चन। ओके। ये मेरे ट्रिपल की बादशाह, तीन बादशाह। ये मेरे टंटाडा। ये मेरे पास दे, ये मेरे पास दे, ये चीटिंग है, चीटिंग है मां, चीटिंग। देख डार्लिंग, यही जिंदगी का उसूल है कि जब जिसका सिक्का चल रहा हो ना किस्मत का, उससे बना के रखने का। मतलब? मतलब ये कि उस दिन जब उस बच्ची को मैंने ऑटोग्राफ दिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा रे, ऐसे अंदर से एकदम ऐसा सुकून वाला फीलिंग आया। और अभी मेरे को वही करने का है, मेरे को वही इज्जतदार जिंदगी जीनी है जैसे हसीना मलिक जीती थी। अच्छा, मतलब तुम सबको बोलोगी कि मैं मैडम सर हूँ, लेकिन मानेगा कौन?
काय के लिए रे? अक्का लखनऊ तो वैसे मान के बैठा है। नहीं, लखनऊ माने या ना माने, लेकिन मेरे थाने वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे वो मैडम सर की आहट से पहचान लेते हैं कि ये मैडम सर है, ये तुम्हारे झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। और वैसे भी करिश्मा मैडम को छोड़ के थाने में और किसी को नहीं लगता कि तुम मैडम सर हो सकती हो। अगर उन्हें यकीन दिला दिया तो अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, बिलो द स्पाय आल्सो एक्सेप्टेड। अभी देख क्या करती है ये उर्मिला महादेव मात्रे। बात थाने तक सीमित थी ना, तब ठीक था, मगर ये उर्मिला की बातें ना थाने के बाहर भी बवाल मचाने लगी है। भरे बाजार सबके सामने ऐसे थुमक थुमक के नाच नाच के वड़ा पाव बेच दिया। जैसे आपने नहीं खाए थे, तीन तो आपने ढूंसा था। वो सब तो ठीक है, मगर वक्त रहते आपने मामला संभाल लिया ना, वरना क्या होता? पुलिस विभाग को तो छोड़ो, सारी दुनिया को, मतलब सारी दुनिया को पता चल चुका होता कि ये मैडम सर नहीं है, कोई मुंबई की आई वड़ा पाव बेचने वाली उर्मिला महादेव मात्रे हैं। और उसके बाद क्या होता आप तो जानती हैं, ये थाना हो गया होता बंद और हम सब लोग बैठे होते अपने अपने घर। देखिए, हम कह रहे हैं आपसे, चेता रहे हैं आपको, आपको इस उर्मी की नकेल कसके रखनी पड़ेगी, काबू में रखना पड़ेगा उसे, वरना एक दिन हम सबको मरवा देगी, चेता रहे आपको। सही बात है मैडम, नहीं बिन बांध का पानी ना हमेशा भूचाल मचाता है मैडम। मैडम हम एकदम सही बात बोल रहे हैं मैडम। हाँ, मतलब मैडम सर के जाने के बाद इस थाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना मैडम, तो उर्मिला ने अगर कुछ गड़बड़ की तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी, आपको ना उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। और नहीं तो क्या, देखा नहीं कैसी अपनी मनमानी करती रहती है, जो जी में आया करती रहती है। हाँ। क्योंकि वो जानती है ये उसे कुछ नहीं कहेंगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही उर्मी इनके सामने आती है ये तो पिघल जाती है। हाँ। क्योंकि इनको उसमें मैडम सर दिखती है। हाँ। और इसी बात का वो पूरा फायदा उठाती है। हाँ। हाँ। अभी नहीं रोका ना उसे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे इस थाने को, फिर से चेता रहे आपको। बदनाम जी। मैडम, एक कप चाय आधा चम्मच चीनी के साथ। अब भी लाए मैडम। हम बात करेंगे उसे, हम समझाएंगे उसको, मतलब हम डांटेंगे उसे, उसको धमकाएंगे हम, चेता देंगे हम उसको कि अगर उसने ये दोबारा हरकत की तो उसको उठा के ट्रेन के डब्बा में डाल देंगे और पहुंचा देंगे मुंबई। ठीक है। देखो, हम आप सब की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सब से बहुत जरूरी और अहम बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये सब सुनकर आपको यकीन ना हो, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद में सरमाए की हम बंजर जमीन बोते रहे, दरारे थी आईने में हम खुद के अक्स को देखकर रोते रहे, अब हैरानी नहीं होती किसी भी मंजर से हर्फ, हाथ से होते गए हम देखते गए। कौन से टेम्पू के पीछे लिखा हुआ था जो आप ढांप के लाई और यहाँ पर चेप रही हैं? अपनी तमीज में रहिए चीता चतुर्वेदी, हम आपके सीनियर हैं, हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं, हम आपके सीनियर हैं, इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। अगर तुम SHO हसीना मलिक हो तो हम कटरीना कैफ है। हालात और उम्र का तकाजा है पुष्पा जी, वरना हम आपकी बदतमीजी कभी नजरअंदाज नहीं करते।
आज के बाद अगर आपने हमसे इस तरीके से बात की तो यकीनन हम आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे जहां रोज का कम से कम आपका 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। देखो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, कब से तुम्हारा बकवास सुन रहे, कुछ भी बोलती जाओगी क्या? दिमाग खत्म धड़ी करके रख दिया तुमने, एक और शब्द और बोला ना तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत अफसोस की बात है करिश्मा सिंह कि आप भी औरों की तरह बेवकूफ निकली। हमें उम्मीद थी कि कम से कम आप इस बात को समझ जाएंगी कि हम ही हैं हसीना मलिक, लेकिन आप, खैर तो अब सुनिए सच्चाई। जी हाँ, हम हसीना मलिक ही हैं। एक्सीडेंट में हमारी मौत नहीं हुई थी, हम बच गए थे। हम जिंदा है इस बात को हमने सबसे राज रखा और खुद को अंडरग्राउंड रखा ताकि हम असली कातिलों तक पहुंच सके। जब हमें पता चला कि आप हमारी हमशक्ल उर्मिला महादेव मात्रे नाम की एक लड़की को यहाँ लेकर आए हैं और इसे हसीना मलिक बनाकर रखा है, तब हमें लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है वापस लौटने का। उर्मिला को हमने वापस मुंबई भेजा, उसकी जगह यहाँ खुद उर्मिला बनकर आप सबके साथ रहने लगे। और आप सबको बहुत ही आसानी से यकीन हो गया कि हम उर्मिला महादेव मात्रे ही हैं। बहरहाल अब मिशन खत्म हो चुका है। अनुभव की मौत के बाद इस नाटक को अब कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। यही है पूरी सच्चाई, हम ही हैं SHO हसीना मलिक। बहुत हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कुछ भी बोली जा रही हो, ये क्या बकवास किया अभी तुमने? सब कुछ बताओ वरना यहाँ ही खोपड़ी छितरा देंगे तुम्हारा अभी क्या भी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर हम भी आपकी जगह होते तो हम भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। तो आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। बहरहाल पुलिस वाले हैं तो बिना सबूत के कोई काम तो करेंगे नहीं। हाँ हेलो। हेलो उर्मिला, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। हाँ तो फोन पे आता है ना इतना बड़ा नाम, बताने की क्या जरूरत है? बोल काहे के लिए फोन किया? नहीं, हम बस जानना चाहते थे कि मुंबई में सब कुछ ठीक। अरे इधर सब एकदम चकाचक रे, अपना वड़ा पाव का रेकड़ी मस्त चल रहा है, 3000 का गल्ला हो गया है। मालूम क्या तेरे को, लगता है साल भर में ना हनीमून डेस्टिनेशन का मेरा बजट फिक्स हो जाएगा। अच्छा मेरी छोड़, ये बता उधर क्या चल रहा है रे थाने में, सब लोग ठीक है ना? वो चटक चन्नी महतारी सफेदी की चमकार और वो मेरा चिकना, कैसे सब लोग? बोल सबको कि मैं उनको बहुत मिस करती है, मिलने आएगी जरूर जल्दी। तो उम्मीद है कि आप सबको अब नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई रोना धोना नहीं, कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था, क्योंकि अब हम वो हसीना मलिक नहीं हैं जैसे हम पहले थे। वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया है। अब यहाँ सब कुछ कायदे कानून और प्रोटोकॉल से होगा, प्रोफेशनली और स्ट्रिक्टली। अब हम सब यहाँ एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ कोलीग्स हैं और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? चा 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 चा, ये लीजिए मैडम आपके लिए आधा चम्मच चीनी वाली चाय। मैडम बहुत दिनों के बाद आपने आधा चम्मच चीनी वाली चाय ऑर्डर की है। अंदर केबिन में रख दो। आपकी मर्जी, प्लीज साइड। और एक बात, बेहतर होगा कि आप सब जल्द से जल्द अपनी इन खराब आदतों को बदल दे, वरना लोगों को बदलने में हमें वक्त नहीं लगेगा। अब क्या कहते हैं सब?
आधी चम्मच चीनी। बिल्कुल सही उर्दू, वही तेवर, वही स्टाइल। लगता तो मैडम सरी है। लगता क्या मैडम सरी है वो। कैसे पता चलेगा ये उर्मिला है या मैडम सर? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.